अखन हमरा पीछा देख रहल हे जे बच्चा के झूला छे और अहाँ सबके बता दी जे अखन हमर उपस्थिति मधुबनी टाउन क्लब फील्ड में है और अहाँ सबके शायद किछ महीना पहले याद हैत और मिथिला तक न्यूज के जरिए देखने हेबे डिज्नीलैंड मेला जत बच्चा के उत्साह भर गेल रहे लेकिन किछ कारणवश ओत स्टॉप कर देल गेल। लेकिन ई ठंडी आ के हॉलीडेज जे छे से विंटर वैकेशन के लेल पुनः मधुबनी टाउन क्लब में डिज्नीलैंड मेला लगा जतेक हुनकर मैनेजमेंट छथिन आबि गेल छथिन आ पूरा ई टाउन क्लब फील्ड जे से सज चुकल है डिज्नीलैंड मेला से जकर आज उद्घाटन भेला नगर निगम मेयर श्री अरुण राय जी और डिप्टी मेयर अमनुल्ला खान जी फीता काट के उद्घाटन के लेते हैं और देख रहे जे ई सज लगभग सज चुकल है झूला झूली से और काल तक ई पूर्ण भ जात यानी 1 जनवरी के सोहे सुनहरा अवसर भेट रहा छ मधुबनी नगर निगम के या मधुबनी जिला के आसपास जते गांव के लोग जे बाल बच्चा संगे 1 जनवरी खूब उत्साह पूर्वक मनाओ बाल बच्चा के लगा मधुबनी टाउन क्लब फील्ड में आओ झूला झूली सामान खरीदी कम दाम में आज तक के व्यवस्थापिका छ हिंदा से बात करब। सबसे पहले तो बतेबे जे कहिया से चालू हो जेते हालांकि दर्शक के इंतजार नहीं ठीक लागे आज ओपनिंग हो गया है 24 तारीख डेट है आज ओपनिंग हो गया है। कल क्रिसमस है क्रिसमस के डे पर हम लोग पूरा फुल फिनिशिंग चालू कर देंगे कल से हम अपना पूरा चालू हो जाएगा यानी 1 जनवरी अतः आए का बच्चा के संग परिवार फुल एंजॉय फुल एंजॉय आपको फुल एंजॉय मिलेगा यहाँ पे उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। उसी के शुभ अवसर पर हम लोग लगाया गया क्रिसमस 1 जनवरी और मकर संक्रांति और 26 जनवरी ये सबके शुभ अवसर पर लगाया गया है। जैसे विंटर वैकेशन होबा वाला छे 31 दिसंबर के बाद जते विंटर वैकेशन छे ओमे बच्चा के आबि के तो एंजॉय कर कते दिन ई मेला चलते ये मेला चलेगा आपको 45 दिन चलेगा 45 दिन देख रहे लेबे आज के किछ दृश्य देखा दे छी और आज के बता दे छी जे 1 महीना लगभग में 1 महीना ओसा ज्यादा दिन चलते लेकिन जते दिन चलते मिथिला टेक न्यूज के जरिए अहाँ सब अपडेट होत रहब जे यात्रा डिज्नीलैंड मेला चल रहा छे जे आइ नै एलौं काल्हि एलौं या 2 दिन 3 दिन जना जे बच्चा के अत किछ खास की होवे वाला छे जना कहलिया इंग्लैंड के किछ कहलिया जे इंग्लैंड का यहाँ लंदन ब्रिज गेट हम लोग बनवाए हैं जो यहाँ के लिए बहुत नया होगा। हम लोग इससे पहले मुजफ्फरपुर लगाए थे जी हम लोग पहले इससे पहले मुजफ्फरपुर लगाए थे दरभंगा लगाए थे लंदन ब्रिज बहुत अच्छा रिपोर्ट मिला यही सोचकर हम लोग मधुबनी शहर में जी आकर्षित केंद्र ही है ये केंद्र जी तो इसी शुभ अवसर पर हम लोग लगाए हैं कि यहाँ पे लंदन ब्रिज बहुत अच्छा पब्लिक को लुभाएगा और मधुबनी शहर वासी को एक बार अपील करेंगे ये मेले में टाउन क्लब फील्ड में एक बार मेला लगाए डिज्नीलैंड मेला एक बार आकर अवश्य घूमे जे अट्रैक्शन के जे अता डिजाइन देल जा रहल छे कतो ने कतो बहुत ज्यादा अट्रैक्शन के चीज रहते और ओय पर कतो ने कतो जनता लुभेथिन दर्शक लुभेथिन बाल बच्चा के संगे थिन आ पुनः जे छे से अहाँ सब मिथिला तक न्यूज के जरिए डिज्नीलैंड मेला के लेल अपडेट होत रहत और अहाँ सब देखत रहबे जे कहिया से कहिया तक छे और अहाँ सब जरूर जरूर आबी। मधुबनी शहर के लिए ये ऐतिहासिक चीज है मुजफ्फरपुर से मेला लगाने आए हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि अच्छा से अच्छा धन अर्जित करके जाएं और ये ठंड का कपड़ा जो है इनको अच्छा से बिक्री हो हमारे बच्चे लोग जो भी शहर के आएंगे झूला पर बैठे घूमे टहले और मेला का आनंद ले। ये मधुबनी में दूसरा बार यहाँ हम आए हैं मेला में उद्घाटन करने के लिए और मधुबनी शहर के लिए ऐतिहासिक चीज़ है। इन लोगों का मनोबल ऊंचा होगा और बराबर मधुबनी शहर में आते रहेंगे मेला लगाएंगे इससे नगर निगम को भी बहुत उपलब्धि मिलता है क्योंकि यहाँ से रेवेन्यू नगर निगम को भी मिलता है। आप लोग भी आए हैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह जाए कि टाउन क्लब में मेला लग रहा है वो मेला देखने के लिए हर घर से बच्चे के साथ आए और मेला का आनंद उठाए। अभी मेयर साहब ने आशीर्वाद दिया है और विक्रम जी हैं और चौधरी जी हैं मनोज जी हैं इन लोगों ने इसको सजाया है। इस शहर के लिए गौरव की बात है मधुबनी नगर में इस तरह का आयोजन किया जाता है। हम मधुबनी नगर और जिला वासियों से यही निवेदन करेंगे कि यहाँ डिज्नीलैंड मेला का आनंद लें और शांति के साथ यहाँ मार्केट में अपने बाल बच्चों के साथ परिवार के साथ आएं। हर तरह की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ है किसी को कोई दुश्वारी नहीं होगी और शहर में कुछ है नहीं तो शहर में कुछ नहीं है तो एक प्रयास है ये सब कि इस तरह से
टाउन क्लब फील्ड में लग रहा है, अभी चिल्ड्रंस पार्क पार्क काली मंदिर पे हुआ, मेयर साहब उद्घाटन किए तो इस मुख्य लंदन ब्रिज, हाँ मुख्य आकर्षण का केंद्र जो है वो लंदन ब्रिज है, जिसको देखने बच्चों के साथ जरूर आइए। यही हम लोग मेयर साहब की तरफ से और अपने तरफ से हम लोग चाहेंगे, यहाँ के नागरिकों को, मधुबनी जिला के तमाम वासियों को निवेदन करेंगे कि वो इस मेले में आएँ और आनंद लें और बच्चों को खुशहाल बनाएं। एक नई चीज़ यहाँ दी गई है और अच्छा रिजल्ट आएगा तो फिर लोग आएंगे। यही शुभकामनाओं के साथ हम सभी आयोजकों को बधाई देते हैं और फिर आग्रह करते हैं मधुबनी वासियों से कि वो एक मौका जरूर दें यहाँ आने का, आएँ और सस्ते दामों पर बहुत सारे सामान को लेके जाएं।